हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं? तो बच्चों, आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि बच्चों, आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग या आज हम लोग जब मिल रहे हैं तो नए साल पे मिल रहे हैं। तो बच्चों, नया साल आने वाला है या आ चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे। तो बच्चों, नए साल पे हम लोग नया साल जब मनाएं तो अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर के साथ में मनाएं। इधर उधर मनाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो ना सोचें, है ना? क्योंकि इनसे बढ़कर हमारे लिए बेटा हमारी लाइफ में कोई और नहीं है। हाँ ठीक है बच्चों, तो नए साल पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और भी मन लगा करके पढ़ेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे और मैथ्स को ही अपना पहला प्यार मानेंगे। ठीक है, तो चलिए, खैर हम लोग ग्रुप थ्योरी के बेटा अगले वीडियो पर आ गए हैं और हम लोग साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ रहे थे। क्योंकि देखो बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, अब ये सब आपस में यहाँ पर मिलने लगते हैं। तो पुराने वीडियोस बेटा जरूर पढ़ लीजिए इस वीडियो को पढ़ने से पहले, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करते हैं साइक्लिक ग्रुप की। देखो बच्चों, साइक्लिक ग्रुप की कुछ थ्योरम मैंने आपको डायरेक्ट पहले बता दी थी, उनके प्रूफ नहीं दिए थे, तो अब हम उनके थोड़ा प्रूफ कर रहे हैं इस समय। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी हमने इंपॉर्टेंट प्रूफ कुछ किए थे। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, एक देखो बच्चों और थ्योरम आती है ना। ये थ्योरम बेटा क्या कहती है? ये कहती है कि ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अवेलियन। मतलब जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं ये सबके सब कैसे अवेलियन, मतलब ये सबके सब कैसे कम्यूटेटिव। जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो अपने आप ही कैसे होते हैं? कम्यूटेटिव। ठीक है, देखो जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं, लेट टू एलिमेंट्स आर, ठीक है, लेट टू एलिमेंट्स आर ए टू द पावर एम, और ए टू द पावर एन ए उसका जनरेटर होगा। मान लिया मैंने कि ए उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, तो अगर ए उसका जनरेटर है तो हम एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना भाई? दो एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे। तो जैसे कि मान लो अगर हम इनको ऑपरेट करते हैं ए की पावर एम ऑपरेशन, ए की पावर एन, तो क्या होगा? ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। और अगर उल्टा देखें, ए की पावर एन ऑपरेशन ए की पावर एम, तब भी क्या होगा? ए की पावर एन प्लस एम हो गया। देखो दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब ए की पावर एम ऑपरेशन ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन ऑपरेशन ए की पावर एम। देखो यहां पर दोनों बातें बराबर आ गई। इसका मतलब जो साइक्लिक ग्रुप है, देखो ये हमारा एक अवेलियन ग्रुप है। मतलब ये जो साइक्लिक ग्रुप है देखो ये कम्यूटेटिव ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। ये शायद प्रॉपर्टी पहले बता चुका था मैं, इसका प्रूफ मैंने पहले दिया था या नहीं दिया था याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोबारा कर दिया। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगला बेटा ग्रुप, अगला हमारा देखो थ्योरम क्या है, एक और देखो थ्योरम हम पढ़े। ये थ्योरम भी मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका प्रूफ मुझे याद है कि मैंने दिया था नहीं या नहीं दिया था। चलो खैर जो भी है, अगर दोबारा कर लिया तभी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पहले कर चुके हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको आना चाहिए। देखो बच्चों एक और थ्योरम बेटा देखो होती है, ये कहती है कि इफ ए इज जनरेटर, ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर, ठीक है, ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि लेट एक्स एक एलिमेंट है और वो ए की पावर आर है, मैंने मान लिया है ना कि ए इसका जनरेटर है, और एक्स कोई एलिमेंट है साइक्लिक ग्रुप का, अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो उसको हम ए की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए जनरेटर माने तो, इफ ए इज जनरेटर, अगर हम ए को जनरेटर माने तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना, एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, अच्छा देखो अब हम इसको अगर ऐसे लिखें तो क्या दिक्कत है, बस समझिए, है ना। अगर मान लो इसको हम ऐसे लिखें ए इनवर्स माइनस आर, और माइनस आर को फिर हम कुछ नया मान लें इंटीजर के, तो एक्स क्या हो गया? ए इनवर्स के।
तो मतलब देखो, अगर हम x को a की पावर में लिख रहे हैं तो हम x को a इनवर्स की पावर में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर a जनरेटर है, क्योंकि a को हम a की पावर r से हम x मिल रहा है हमको। x मतलब कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप का, अगर a जनरेटर इसका मतलब हम उसे a की पावर में लिख सकते हैं। और हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम x को a की पावर में लिख सकते हैं तो हम x को a इनवर्स की पावर में भी लिख सकते हैं। तो अगर a जनरेटर है तो ए इनवर्स भी हमारा जनरेटर है। ये बात मैंने पहले ही बेटा आपको समझाई थी कि अगर, है ना, क्योंकि देखो अगर आर इंटीजर है तो माइनस आर भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी, है ना। तो ये सब इजी इजी बातें हैं, हमने पहले ही पढ़ी हुई थी, ठीक है। अभी हम कुछ और बातें भी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। देखो तो इस साइक्लिक ग्रुप की मैंने आपको थ्योरम्स बेटा बताई हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ के मैंने प्रूफ भी किए हैं, एक दो के मैंने प्रूफ नहीं भी किए हैं, वो नॉन इंपॉर्टेंट थे। देखो अब हम लोग एक दो और अच्छी बातें पढ़ें। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास जी एक ग्रुप है, जी कॉमा ओ मान लीजिए ग्रुप है, और मान लो अगर हमें दिया गया है ए ऑपरेशन एक्स ऑपरेशन ए बराबर बी, मान लो हमें ऐसे दिया गया है और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए है, मान लो, है ना, एक्स की वैल्यू मान लो हमें चाहिए। तो ये एक जनरल ग्रुप है, इसका साइक्लिक ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जनरल ग्रुप है। अब अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तब भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, भाई साइक्लिक ग्रुप भी तो पहले ग्रुप है ना। हाँ उसमें कुछ अलग बातें हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हर एक साइक्लिक ग्रुप ग्रुप तो है। तो ये प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए है, और अगर ये ग्रुप के लिए तो ये साइक्लिक ग्रुप के लिए भी होगी, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप भी तो एक टाइप का ग्रुप ही हो गया ना, समझे। देखो हमें एक्स निकालना है। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं, मान लो ग्रुप में ये हमारा ऑपरेशन ओ है, और अगर हम ऐसे लिखें ए ओ बी ओ सी, एक्चुअली जो ऑपरेशन होता है ग्रुप में वो एसोसिएटिव होता है, तो इसलिए हम चाहें तो इसको ऐसे लिखें और चाहे इसको ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन होता है ना वो एसोसिएटिव होता है। तो हम ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें कुछ भी लिखें ग्रुप के अंदर, तो वही देखो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो बहुत आसान है, देखो कभी करना होगा तो कैसे करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इसका साइक्लिक ग्रुप में इसकी जरूरत पड़ती है, इस टाइप के क्वेश्चंस की। देखो ध्यान दो, जैसे ये हमें दिया गया है ए ओ एक्स ओ ए बराबर बी, इसको चाहे तो ऐसे लिख लें ए ओ एक्स ओ ए बराबर बी, इसको ऐसे देखो हम कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको देखो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो हम दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर दें, दोनों तरफ ए इनवर्स से देखो हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, ठीक है, ए इनवर्स से हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया लेफ्ट साइड से। अब देखो ये ए इनवर्स इससे मिलेगा तो ए इनवर्स ओ ए, ठीक है, और इसके साथ में क्या हो गया एक्स ओ ए, देखो यहां पर हो गया, और यहां पर तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, तो ई ओ एक्स ओ ए बराबर ए इनवर्स ओ बी, ई को किसी से भी ऑपरेट करोगे तो वही रहता है। तो यहां पर देखो क्या मिल गया, ये हो गया एक्स ओ ए बराबर ए इनवर्स ओ बी। अब हमें यहां से ए हटाना है तो राइट साइड में ए इनवर्स से ऑपरेट कर दो, है ना। ये बात ध्यान रखना कि अगर राइट से कर रहे हैं तो दोनों ही तरफ राइट से करेंगे, और अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो दोनों ही तरफ हम लेफ्ट से करेंगे। देखो यहां पर ए इनवर्स से लेफ्ट ने किया तो इधर भी लेफ्ट ने किया, और हमने इधर भी लेफ्ट ने किया। यहाँ ए इनवर्स से राइट में किया तो इधर भी राइट में किया, इधर भी राइट में किया। अब देखो इनको मिला लो आपस में, और ये तो खैर ऐसे लिखा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे बच्चों, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया ई हो गया, और ई ओ एक्स को फिर से एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स क्या हो गया ए इनवर्स ओ बी और ऑपरेशन ए इनवर्स, और देखो ये एसोसिएटिव है तो इसको इसको एक ब्रैकेट में कर दे, इसको अलग कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमने x को निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमसे बेटा ग्रुप वगैरह हम पूछे जाते हैं, तो ये हमें सब आना चाहिए, काफी इजी है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले। ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, देखो एक, देखो यहां पर छोटी सी प्रॉपर्टी और याद रखना। देखो कि मान लीजिए मेरे पास जी कॉमा ओ कोई ग्रुप है, मान लो मेरे पास जी कॉमा ओ कोई ग्रुप है, और ये ग्रुप अगर अबेलियन है, मतलब अगर ये कम्यूटेटिव है तब, मान लो अगर इसमें ऐसा हो रहा है तब, तो ध्यान रखना हमेशा ए इनवर्स ओ बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ओ ए इनवर्स लिख सकते हैं। मतलब अगर ग्रुप कम्यूटेटिव है तो, अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, और ऐसा भी लिख सकते हैं ए ओ बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ओ ए, और ऐसा भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ओ बी बराबर बी ओ ए इनवर्स, ऐसा भी हम यहां पर लिख सकते हैं। मतलब अगर ये ग्रुप कम्यूटेटिव है, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी है, तो इनवर्स भी कम्यूटेटिव होगा, और एक का इनवर्स दूसरा सिंपल एलिमेंट भी कम्यूटेटिव होगा। यहां पर देखो बी का इनवर्स लिया, यहां ए का इनवर्स, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा किसी भी ग्रुप में। इनको हम बड़ी आसानी से देखो यहां पर प्रूव भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी जरूरत नहीं इसको प्रूव करने की, है ना, इसको मैसेज छोड़ना हो यहां पर, ये बात ध्यान रखना। इसका भी कई बार यूज होता है ग्रुप में, बहुत से क्वेश्चंस में, तो इस बात को दिमाग में रखना। अगर ये कम्यूटेटिव है तो ऐसा 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 हमेशा होता है, ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। देखो अब जैसे तुमको मैं तुमको सारी चीजों को एक बार एक तरीके से बता रहा हूं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिला करके, है ना, जिससे कि आगे के हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स आने वाली है ना, तो ये सब बातें हमें उनके लिए आनी चाहिए। देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो आई फोर एक ग्रुप है प्लस फाइव ऑपरेशन के साथ में, ठीक है। देखो इस तरीके से जब प्लस फाइव लिखते हैं तो मैंने बताया था ये होता है एडिशन मॉडुलो फाइव, इसको हम एडिशन मॉडुलो फाइव कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो ए प्लस फाइव बी है, तो इसका आंसर आर आता है। आर आर क्या है इसका आंसर, और आर क्या है, आर होता है रिमाइंडर इफ ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाई फाइव, ये है यहां पर। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू आर, इसका आंसर आर आएगा, और आर क्या होगा रिमाइंडर, अगर ए प्लस बी को फाइव से डिवाइड कर दिया जाए तो, ए प्लस बी को अगर फाइव से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम आर यहां पर कहते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार का जो ग्रुप होता है, मैंने बताया था बेटा कि आई फोर का मतलब यहां पर माना जाता है 0 1 2 3 4, और ऑपरेशन लिया जाता है प्लस फाइव का, है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया भी था आपको, इसे हम एडिशन मॉडुलो फाइव कहते हैं। यहां पर फाइव है तो यहां पर हम जीरो से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 तक एलिमेंट्स को लेंगे। अगर यहाँ सिक्स होगा तो जीरो से शुरू करके 1 2 3 4 5 तक लेंगे, अगर यहाँ सेवन होगा तो 0 1 2 3 से लेकर सिक्स तक एलिमेंट को लेंगे, है ना, एडिशन मॉडुलो वाले में, एडिशन मॉडुलो एम में। तो ये जो सेट है ये इस ऑपरेशन के साथ में ग्रुप को बताता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखो यहां क्या करना है, यहां हमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। देखो इसमें जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो वन होती है, ध्यान रखना, इस वाले ग्रुप की सॉरी जीरो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी जीरो होती है, एडिशन वाले में आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो इस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होता है। तो जैसे हमसे कहा जाए कि इस ग्रुप में पांच एलिमेंट्स हैं, तो हमसे कहा जाए इनके ऑर्डर बताइए क्या होंगे, है ना, जैसे कि हमसे कहा जाए कि फाइंड ऑर्डर ऑफ, ठीक है, 0 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट का हमको ऑर्डर निकालना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, ग्रुप में किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से मतलब ये होता है कि अगर हम ए की पावर एन करें और वो ई आ जाए तो एन उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाता है ना, एलिमेंट का ऑर्डर हमको यहां पर देखो बच्चों चाहिए है। देखो
जैसे जीरो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही वन होता है, ये बात मैंने बताई थी आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो है ना, देखो ध्यान रखना, बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फिर अगर ग्रुप वो साइक्लिक है तो उसका जनरेटर क्या है, ये सब अलग अलग बातें हैं। जनरेटर का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने बहुत डिटेल से बेटा जब भी चीज़ें आई मैंने आपको समझाया है। जनरेटर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ये सब मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया। पुराने वीडियोज़ बेटा पढ़िए एक बार, रिवाइज़ करिए, उनको नोट्स बना लीजिए, फिर उसको साथ साथ रिवाइज़ करते रहिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप पढ़ें बेटा तो नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत में आओगे फिर, ठीक है ना। या जैसे मैं लिखता हूँ, जब एक बार बोर्ड भर जाए उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये भी तरीका होता है। वीडियो पढ़ते समय जब पूरा बोर्ड भर जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी अलग अलग फोटोकॉपी निकलवा लो, आसान तरीका बता दिया, ठीक है। तो वो भी एक तरीका तुम्हारे पास होता है। जैसे मान लो इतना बोर्ड मैंने भर दिया, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आपके पास लिखा हो मिल जाएगा, ठीक है, चलो खैर। तो बच्चों देखो, जैसे आइडेंटिटी जीरो है तो जीरो का ऑर्डर तो वन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जीरो इक्वल टू वन। अब देखो वन का ऑर्डर क्या होगा, वन को हम कितनी बार प्लस करें कि आंसर आइडेंटिटी आए। देखो वन को अगर हम 5 बार प्लस करेंगे, वह मतलब इसी ऑपरेशन से प्लस फाइव। देखो वन वन वन, 5 बार ऐड हुआ, 5 आया। अब अगर आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 5 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 आ गया, बस समझे। अच्छा आप 2 पर आ जाए, देखो 2 को हम कितनी बार ऐड करें, 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आए। देखो जैसे 2 को 5 बार, ऑपरेशन क्या है, प्लस 5, एडिशन मॉडुलो 5 का। 2 को अगर हम 5 बार करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। देखो फिर आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर ही यहाँ पर आंसर लिखना होता है। तो 2 का ऑर्डर भी 5 हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 0 का ऑर्डर, 0 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, 1 का ऑर्डर 5 हो गया, 2 का ऑर्डर 5। देखो 3 का ऑर्डर, अब सोचो हम 3 को कितने बार ऐड करें। देखो 3 को 2 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9, और 9 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, हमें 4 नहीं रिमाइंडर 0 लाना चाहिए। 3 को 3 से ऐड करोगे तो 6 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। मतलब अगर हम 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं तो हमें आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि 3 कितना होगा, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 आंसर आ गया, हमें 1 आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए, 0। अच्छा 3 को 3 बार जोड़े तो देखो क्या आएगा, 3 3 3 9 9 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर 4 आया, हमें 4 भी नहीं चाहिए, हमें तो 0 चाहिए, हमें अपना आंसर 0 चाहिए। अच्छा 3 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करें तो 12 हो गया, 12 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, इसका आंसर 2 आएगा, 2 नहीं चाहिए। 3 को 5 बार ऐड करें सेम ऑपरेशन से, ऑपरेशन क्या है, प्लस फाइव है ना। तो अगर हम 3 को 5 बार ऐड करें तो कितना आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 आंसर आ गया इस बार। इसका मतलब 3 को 5 बार ऐड करने से आइडेंटिटी आएगा, जैसे 1 को 5 बार ऐड करने से आइडेंटिटी आया, क्योंकि हमें आंसर आइडेंटिटी लाना है। ए को आपस में ही ऑपरेट करें और उतने बार ऑपरेट करें कि आंसर ई आए, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब देखो 3 का ऑर्डर भी जो है वो कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा सोचो 4 को 2 बार ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, नहीं चाहिए। 4 को 3 बार ऐड करोगे तो 12 आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2, जो नहीं चाहिए, है ना। तो 4 को भी अगर हम 5 बार ऐड कर दें, 4 को भी देखो अगर हम 5 बार ऐड कर दें, देखो ऑपरेशन क्या है, प्लस 5, प्लस के नीचे ये 5 लिखा जाता है, ध्यान रखना प्लस के नीचे 5। तो 4 को अगर हम 5 बार ऐड कर दें तो देखो 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, जो हमें चाहिए। तो 4 का ऑर्डर जो है वो कितना है बोलो, 5। तो देखो सब का ऑर्डर यहाँ पर निकल आया, देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। अब देखो यही टाइम होता है बेटा स्क्रीनशॉट लेने का। अब जैसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना जानते हो कि नहीं अपने मोबाइल में, नहीं तो किसी छोटे भाई बहनों से पूछो, वो जानते हैं ये सब। मैं भी अपने बच्चों से पूछता हूँ जब कहीं फंसता हूँ तो,
ये लोग ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, गेम वेम खेलते रहते हैं ना, वो क्या है पबजी, 4G, ये जी बो जी सब गेम खेलते रहते हैं ना ये लोग, इनको ज़्यादा आइडिया होता है स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके पास नोट्स बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो देखो आगे बढ़े। मान लो यहीं पर मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं इस बार i5 और ऑपरेशन लेता हूं +6 का, है ना, ये +6 का ले लिया, एडिशन मॉडुलो 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रिमाइंडर a+b/6। देखो ये हमने, अब इसमें एलिमेंट कहां तक आ जाएंगे, इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 5 तक। अब मान लो फिर से हमें इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए, है ना, मान लो इस क्वेश्चन में फिर से हमें हर एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी बेस बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे हमें काफी आसानी रहती है। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर ही बच्चों 0 है, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 0 है बच्चों, यहां पर भी आइडेंटिटी कितना है बोलो 0 है, तो 0 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखो। अब देखो जैसे 1 है तो 1 को, अब देखो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो r आएगा, r क्या है a और b को सम करने पर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। देखो जैसे 1 और 1 को 2 ऐड करें तो 2 होगा, 2 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा, हमें रिमाइंडर आइडेंटिटी चाहिए। तो अगर हम 1 1 1 को 6 टाइम ऐड करेंगे, है ना, किस ऑपरेशन से, इसी +6 से, 1 1 1 को हम 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। अब देखो आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना आ गया बोलो 6 आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6, ये ओ मतलब क्या होता, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया बोलो 6 आ गया। अब देखो 2 को 2 बार ऐड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही हो जाएगा, 4 क्या है 6 से छोटा है ना, तो जब 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही हो जाएगा। अच्छा 2 को 3 बार ऐड करें तो 6 होगा, अब 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहां पर 2 को हमें 3 बार ऐड करना पड़ा तो 2 का ऑर्डर कितना हो गया बोलो 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया बोलो 3 हो गया, 2 को 3 बार ऐड करना पड़ा, ऑर्डर ऑफ 2 3 हो गया। ठीक है, आ गया 3 को 3 से ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो इसका मतलब 3 को 2 बार ऐड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, तो 3 का ऑर्डर कितना हो गया बोलो 2 हो गया, है ना, 3 का जो ऑर्डर है बच्चों वो कितना हो गया 2 हो गया। 4 को 2 बार ऐड करूं तो 8 आएगा, है ना, 8 को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा, हमें आंसर क्या चाहिए 0 चाहिए। 4 को 3 बार अगर ऐड करें तो 12 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, अब इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब 4 को 3 बार हमें ऐड करना है तो 4 का ऑर्डर कितना हो गया बोलो 3 हो गया, 4 का ऑर्डर कितना हो गया बोलो 3 हो गया। देखो 5 पर आए, 5 को 2 बार ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, बात नहीं बनी, 5 को 3 बार ऐड करो 15 आएगा, 15 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, बात नहीं बनी, 5 को हम अगर 6 टाइम ऐड करें सोचो तो 30 आएगा, और 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 5 को 6 टाइम ऐड करना पड़ा, तो इसका मतलब 5 का ऑर्डर कितना हो गया बोलो 6 हो गया, बात समझे, ऐसे। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए थे, लेकिन ये एडिशन मॉडुलो वाले क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह ही आ जाते हैं, तो ये हमको आना चाहिए, बस समझे। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, अब देखो यही टाइम होता है स्क्रीनशॉट लेने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके पास एक नोट की फॉर्म में आ जाएगा, फिर उन सबकी फोटो कॉपी निकाल लोगे। जब मैं क्वेश्चन पूरा करता हूँ ना उसके बाद हट जाता हूँ, मिटाने से पहले आप देखना मैं हमेशा हट जाता हूँ एक बार, इसलिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ो, और अब देखो एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 का करते हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 का। ठीक है, जैसे कि मान लो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 का,
देखो मान लो हमें क्वेश्चन करना है बच्चों, और देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ये है, हमने i5 ले लिया और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ले लिया है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इसे कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन बच्चों है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉडुलो 5, ये हमारा ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ए मल्टीप्लाई बी है तो आंसर आर हो गया, तो यहां पर क्या है आर, आर क्या है मतलब आंसर इसका आर आएगा, आर क्या है रिमाइंडर, आर क्या है बोलो, आर है रिमाइंडर इफ ए इंटू बी इज डिवाइड बाई 5। आर क्या है रिमाइंडर इफ ए मल्टीप्लाई बी इज डिवाइडेड बाई 5। ए और बी का मल्टीप्लाई जो है उसे 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, वो हमारा ऑर्डर होगा। देखो आई डैश 5 जो है ना, आई डैश 5 का मतलब होता है हमें 1 2 3 4 एलिमेंट, 4 चाहिए बस। ठीक है, इसमें जीरो नहीं लेते हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन वाले में जीरो नहीं लेते, अगर जीरो लेंगे तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, इसलिए जीरो नहीं लेते। इसमें जो 1 है ना ये हमारा आइडेंटिटी होगा, 1 क्या होगा बोलो आइडेंटिटी होगा, इसलिए 1 का ऑर्डर 1 ही रहेगा है ना, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो 1 ही रहेगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही रहता है हमेशा, ध्यान रखो। अब देखो जैसे हमें 2 का ऑर्डर बच्चों यहां पर चाहिए है, 2 का ऑर्डर चाहिए, ठीक है, देखो 2 का ऑर्डर हमें यहां पर चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 है तो 5 से डिवाइड करना है। देखो अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 4, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, हमें रिमाइंडर 1 लाना है। 2 को 3 बार डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, वो भी नहीं चाहिए। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, 16 को 5 से डिवाइड करोगे अब रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखो रिमाइंडर यहां पर 1 आया और 1 ही हमें लाना था क्योंकि 1 हमारा आइडेंटिटी था। तो 2 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे है ना मॉडुलो 5 से, सॉरी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा, 1 अपना क्या है आइडेंटिटी, क्योंकि हमें आंसर आइडेंटिटी लाना। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और 16 को जब हम 5 से करेंगे बच्चों, 16 को जब हम 5 से बोलो डिवाइड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 जो है ये 4 हो गया, ठीक है, ओके। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 को 4 बार ऑपरेट करना पड़ा इसीलिए। अच्छा 3 आ जाए, 3 में देखो, 3 में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, नहीं चाहिए। 3 से 27 आया, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, नहीं चाहिए। 81 आया, 81 को 5 से डिवाइड करेंगे हाँ तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो देखो यहां से आंसर 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 3 को है ना ये क्या है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, 3 को हमें 4 से कर, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो जाकर के हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा 4 ले लें, 4 क्या हुआ 4 × 4 16, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर 1 हो गया। तो 4 का ऑर्डर कितना आ गया 2, क्योंकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 को 4 बार ऑपरेट करना पड़ा तो 3 का ऑर्डर 4 आ गया, 2 को 4 बार ऑपरेट करना पड़ा, 2 का ऑर्डर 4 आ गया, 4 आ गया, बस समझे। ऐसे हमेशा हम ये एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में एलिमेंट्स के ऑर्डर हमेशा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा साइक्लिक ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा साइक्लिक ग्रुप को अब यहां पर बच्चों लेकर के आते हैं, साइक्लिक ग्रुप देखो समझो। मान लो बच्चों हमें क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन हमें करना है, हमने एक ग्रुप लिया है और ग्रुप में एलिमेंट लिया है 1 2 3 4 5 6,
और ऑपरेशन लिया है मल्टीप्लाई मॉडुलो 7 का, है ना। ऑपरेशन क्या लिया बोलो हमने, ऑपरेशन जो लिया है वो लिया है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। इसका मतलब जैसे a इंटू बी है तो इसका आंसर r आएगा, तो r क्या होगा, r हो जाएगा रिमाइंडर इफ a इंटू बी इज डिवाइडेड बाय 7, तो ये इसका आंसर होगा r, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट जी इज अ ग्रुप विद जनरेटर 3, विद जनरेटर 3 मतलब 3 इसका जनरेटर है, जी ये ग्रुप है और इस ग्रुप का जो जनरेटर है वो 3 है ना। ये बच्चों हमें यहां पर देखो प्रूव करना है, देखो समझो ध्यान से कि हमें सारे एलिमेंट 3 की हेल्प से मिल जाएंगे, है ना। जनरेटर का मतलब क्या होता है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट आप उस एलिमेंट को ऑपरेट करके बना देंगे। देखो जैसे अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, तो आंसर क्या आएगा 9 को डिवाइड करो 7 से तो आंसर आएगा 2, तो आंसर आ गया 2। तो उसका मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, देखो 2 हमको मिल गया, 2 इसका एक एलिमेंट है, तो मतलब हम 3 स्क्वायर बराबर 2 लिख सकते हैं, वही मतलब a की पावर n बराबर, है ना, मतलब कि हर एक एलिमेंट a की पावर n की फॉर्म का होना चाहिए। 3 स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 आया। अब ये मत समझना कि 3 स्क्वायर तो सर 9 होता है, आपने 2 क्यों लिख दिया, यहाँ मीनिंग कुछ अलग है ना। यहाँ पर जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई मॉडुलो 7 का है, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर ही आंसर होता है यहाँ पर, है ना। a इंटू बी को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा, प्लस वाले में प्लस करके डिवाइड करते थे जो रिमाइंडर आता था वही उसका आंसर होता था, तो मतलब हम 3 स्क्वायर को यहाँ पर 2 के बराबर कह सकते हैं। अच्छा 3 स्क्वायर का मतलब 2, इसका मतलब ये मत समझना था 3 स्क्वायर तो 9 होता है, यहाँ पर मतलब थोड़ा अलग है। अब देखो 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 9 आएगा, नहीं 27 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 6 आएगा, तो मतलब इसका आंसर 6 आएगा, 27 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, 6 इसका आंसर है। इसका मतलब 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 6 मिलेगा, तो देखो 6 भी हमने 3 की हेल्प से जनरेट कर लिया, 2 भी 3 की हेल्प से जनरेट हो गया, 6 भी 3 की हेल्प से जनरेट हो गया। अब देखो 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 81 को 7 से डिवाइड करें 11 इंटू 7 होगा 7, तो 4 मिलेगा, तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, जिसका आंसर 4 आएगा, मतलब 3 को 4 टाइम ऑपरेट करने पर आंसर 4 आएगा, तो मतलब देखो हमें 4 भी मिल गया, 3 को 4 टाइम ऑपरेट करने पर आंसर 4 आएगा। अच्छा अगर हम 3 को 5 टाइम्स ऑपरेट करें तो कितना हो गया 243 को 7 से डिवाइड करो, है ना, बोलो तो 5 आएगा रिमाइंडर, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 5 मिलेगा, तो देखो 5 भी यहां पर हमारा जनरेट हो गया, है ना। अच्छा 3 की पावर 6 करें, बोलो 3 की पावर 6 करें तो कितना आएगा बोलो 81 729 हो गया, 729 को 7 से डिवाइड करो, 729 को 7 से डिवाइड करोगे तो 729 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हाँ तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर देखो इसका आंसर 1 आ गया। 1 क्या है, आइडेंटिटी, 1 क्या है बोलो, आइडेंटिटी, है ना, तो देखो 1 भी हमें मिल गया, तो 1 भी हमें 3 की हेल्प से मतलब 3 की पावर 6 को हम 1 कह सकते हैं, क्योंकि 3 को 6 टाइम जब हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमको 1 मिला, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 मिला, इस तरीके से, है ना, तो 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 4, अच्छा 3 तो खुद ही है 3 के बराबर,
थ्री तो खुद ही थ्री के बराबर है, तो हर एलिमेंट हमें थ्री की हेल्प से मिलना है, थ्री तो खुद ही थ्री के बराबर है ना। और देखो ध्यान दो, तो इसका मतलब थ्री इसका जनरेटर हो गया और थ्री का ऑर्डर कितना हो गया सिक्स, क्योंकि उस एलिमेंट का ऑर्डर मतलब आंसर आइडेंटिटी मिले। इस ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी होती है, वन होती है। इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी कितनी होती है बोलो, वन होती है। तो देखो हमें थ्री को जब सिक्स टाइम ऑपरेट करेंगे तो हमें वन मिला, तो आइडेंटिटी मिला। इसका मतलब थ्री जनरेटर है और थ्री का ऑर्डर सिक्स है और ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट भी देखो सिक्स है। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी पिछले वीडियो में कि ये फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप में जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही उस ग्रुप का ऑर्डर भी होता है। मतलब ग्रुप में उतने ही एलिमेंट होते हैं जो जनरेटर का ऑर्डर होता है, और जनरेटर क्या है थ्री, थ्री का ऑर्डर है सिक्स, क्योंकि थ्री को सिक्स टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिला, इसलिए थ्री का ऑर्डर हो गया सिक्स। बस समझे, थ्री का ऑर्डर हो गया सिक्स, मतलब थ्री क्या है बोलो, हमारा जनरेटर है, थ्री जनरेटर है और ऑर्डर ऑफ थ्री कितना है सिक्स, और यही हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो समझे, देखो यहां पर हमने प्रूव कर दिया बेटा कि थ्री इसका जनरेटर है, हर एक एलिमेंट हम थ्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। बस समझे बच्चों, हर एलिमेंट हम थ्री की हेल्प से निकाल सकते हैं, थ्री इसका जनरेटर है। बस समझे, हाँ। बोलो भाई, बस समझे, लिखो बच्चा इसको। तो ये बच्चों हम लोगों ने कुछ ऑर्डर के, कुछ साइक्लिक ग्रुप के मिला जुला करके, कुछ एडिशन मॉडुलो फाइव, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फाइव के हमने क्वेश्चन किए। तो हर बात में जरा अंतर ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। अगर भूल गए हो तो एक बार बेटा रिवाइज करो सारा, बहुत जरूरी है सब रिवाइज करना। मैं हालांकि टाइम टू टाइम डिफरेंसेस याद दिलाता रहता हूँ, फिर भी तुम जब तक खाली बैठ कर रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आंखें बंद करके सोचोगे नहीं कहाँ क्या था, तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर बेटा हैप्पी न्यू ईयर आपको, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।